हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो फिर आज हम बात करेंगे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की। यहाँ पे बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, तो मैं वन बाई वन आप लोगों को बताऊँगा क्या क्या रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑनलाइन है ऑफलाइन मोड है इसके लिए अप्लाई करना, तो मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अभी। तो फ्रेंड मैं आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी दिल्ली मेट्रो रेल की जो कि ऑफिशियल साइट है मैं इस साइट में आ चुकी हूँ। तो इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर डायरेक्टली इस पेज में आ सकते हैं। तो फ्रेंड आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे जो कि रिक्रूटमेंट बोर्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट जो कि रिसेंटली जो निकला हुआ है यहाँ पे सब कुछ दिया है। तो फर्स्ट जो कि निकला हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजर ऑन डिपुटेशन डायरेक्टेड रिक्रूटमेंट बेसिक, तो यहाँ पे जो कि मैनेजर पोस्ट के रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी पोस्ट है जो कि है रिक्रूटमेंट ऑफ रिटायर्ड पर्सनल असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरीज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक एज कंसल्टेंट फॉर द DMRC प्रोजेक्ट। इसके द्वारा बहुत सारे और भी रिक्रूटमेंट जो कि यहाँ पे आया है। तो आप लोग जिस भी रिक्रूटमेंट के आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी पोस्ट के आप लगते हैं आपको लगता है कि मैं इसके लिए एलिजिबल करता हूँ इस पोस्ट के लिए, तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक फॉर्म के मैं बताऊंगा जो कि फास्ट जो कि है रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजर इन DMRC ऑन डिपुटेशन डायरेक्ट मैं रिक्रूटमेंट बेसिक। तो मैं इसका जो कि बात करूंगा मैं इसके लिए क्या करना होगा, किस तरह के अप्लाई करना होगा। तो पहले इसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कि है एक PDF फाइल जो कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद वहाँ यहाँ पे जो कि उसका जो ऑल डिटेल है इस रिक्रूटमेंट के यहाँ पे चला आएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा आप देखना है, आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिल्ली मेट्रो रेल के जिस रिक्रूटमेंट की मैं बात कर रहा था उसका एक PDF फाइल यहाँ पे चला आया है। तो यहाँ पे आप लोग पहले ही ऊपर में लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजर इन DMRC ऑन डिपुटेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिक। तो ये था रिक्रूटमेंट के जो कि है पोस्ट, इसका पोस्ट नेम जो कि है मैनेजर, नंबर वैकेंसी जो है 1, सैलरी रहेगा इसका 24,900 से शुरू होगा 50,500 तक इसका जो सैलरी रहेगा पर मंथ। मैक्सिमम एज लिमिट जो कि है 45 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग 45 ईयर्स तक है उसके अंदर है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए तो इसके लिए आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट शुड बी बैचलर ऑफ लॉ LLB विद मिनिमम 55% मार्क्स। तो जो लोग LLB किए हैं कंप्लीट किए हैं विद 55 मार्क्स लेके वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो कि मास्टर डिग्री इन लॉ विल बी डिजायर्ड, जो लोग मास्टर डिग्री किए हैं लॉ के वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कि एक्सपीरियंस क्राइटेरिया जो है यहाँ पे अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते, आपके लिए एक एडवांटेज होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो कि 5 ईयर्स के वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा हुआ है। इसके साथ साथ नीचे जो कि सिक्योरिटी बॉन्ड भी एक चाहिए इसके साथ साथ। तो फिर नीचे और भी कुछ जो कि बहुत सारे क्राइटेरिया लिखा हुआ है, अगर मैं कोई मिस कर देता हूँ तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा डाउनलोड करने के, PDF फाइल मैं नीचे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्ट डाउनलोड करके वो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो फिर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो कि होगा इंटरव्यू, उसके फर्स्ट इंटरव्यू होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा। तो यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद एक ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन के बाद आपको सिलेक्शन जो कि होगा इस पोस्ट के लिए। तो फिर ये था सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगा कि एप्लीकेशन की फ़ीस कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे जो कि ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म जो कि है आप लोग यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो कि फॉर्म में देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है रिक्रूटमेंट के जो कि है एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ये फॉर्म लेके आपको जो कि इंटरव्यू डेट है आपको उस दिन जाना होगा इस एड्रेस पे जो कि है इंटरव्यू डेट जो कि है 5
अक्टूबर 5/10/2018 5 अक्टूबर 2018 जो कि होगा इंटरव्यू। और एड्रेस है चीफ जनरल मैनेजर एज एट दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड मेट्रो भवन फायर ब्रिगेड लेन बड़ाकंडमा रोड न्यू दिल्ली। तो इस एड्रेस में आपको जाना होगा 5 अक्टूबर 2018 में। अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस डेट को जाके आपको अप्लाई करना होगा। तो फ्रेंड्स ये था जो कि रिसेंटली जो कि दिल्ली मेट्रो के रिक्रूटमेंट आया था इस बारे में। और इसके साथ साथ बहुत सारी और भी पोस्ट है, अगर आप चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, तो इसका लिंक मैं दे दूंगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मैं सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। मेरे सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। मैं इस तरह से बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के जो कि इंफॉर्मेशन मैं लाता रहूँगा डे बाई डे और आपको हेल्प करूँगा। तो ये अगर पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। थैंक यू फ्रेंड।